हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ कीर्ति एंड अभी 6 बज रहा है एंड आई लुक सो स्लीपी बिकॉज आई जस्ट लाइक हैव वोकन फोर्सफुली वोकन अप माई सेल्फ अप। आई हैव जस्ट पुट माई मैंने बहुत सारा ठंडा पानी डाला अपने मुंह पे। सो आई फोर्सफुली वोकन माई सेल्फ अप एंड आई एम गोइंग टू मैंगलोर टू लाइक ड्रॉप माई ब्रदर ऑफ फॉर हिज कॉलेज एंड yes, this is going to be a vlog about it. I'll probably be exploring the places around in Bangalore and I'll show you guys around with me. I have a flight for like 10 a.m. yeah, and this is 6, so I need to get to the airport like 3 hours before and it will take probably half an hour or something mere ghar se. So yes, that is the update. And yes, I'll take you guys along with whatever it is that is I'm doing. I'll probably be eating a lot of good food in Bangalore. That's what the plan is. Kyunki zyada kuch I've heard utna hai nahi karne ko. And yes, then I'll be back to Delhi. सो आई एम हेयर डूइंग माई रिचुअल। आई एम ग्रैबिंग मैकडोनल्ड्स और मेरा वेजी सरप्राइज और फ्राइज नहीं मिला मेरे को क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ये सुबह का टाइम है। तो आई हैव जस्ट टेकन लाइक अ ब्रेकफास्ट थिंग एंड यस आई हैव डन द चेकिंग एंड एवरीथिंग एंड वाज सो हेक्टिक टुडे बट लाइक दैट्स ओके। सो आई हैव बोर्डेड माई फ्लाइट एंड दिस इज माई सीट and they've also given like these wired earphone sort of a thing so I can watch a movie or something and yes so I planned on watching a movie but then I ended up sleeping as usual. The flight was 3 hours long and I was kind of excited to like go to a new city and see what it was like but yeah and I reached Bangalore and it was so beautiful. Like I just knew that all the hype everything people say is just true and yeah I enjoyed it. I'm back after a while. So I came back from airport, did my check-in and everything and I just relaxed for a while और अभी it's 5 PM and I am planning to go to Koramangala जो कि sort of the main market है यहाँ पर और यहाँ से it's like I think 20-30 minutes और I am also planning to have like really good South Indian biryani क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। like Delhi में भी there's this place where I always go to like have South Indian biryani so I'm going to have biryani probably from Meghna's and yes that's what the plan is. वहाँ पे I have also seen on the map की mall भी है एक so I might go there और आज का कुछ और plan नहीं है। I'll just eat and थोड़ा बहुत like explore around इधर उधर and then I'll come back sleep and tomorrow early morning I'll be leaving for my brother's college and yes I'll meet you guys there. सो दिस इज़ द मोस्ट हाइप्ड मेघनास बिरयानी। चिकन बिरयानी ऑर्डर करा था मैंने बट मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उससे अच्छा मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग थलाईराज लगता है विच इज़ इन दिल्ली। इट्स अ मस्ट ट्राई। आफ्टर दैट आई वेंट टू चर्च स्ट्रीट और वहाँ पे हमने थोड़ा वॉक वॉक करा एंड आई ऑल्सो हैड एन आइसक्रीम विच आई फॉरगॉट रिकॉर्डिंग एंड काफ़ी सुंदर था चर्च स्ट्रीट यार। इट वॉज़ लाइक सीपी इफ़ आई कंपेयर इट फ्रॉम दिल्ली एंड काफ़ी टाइम घूमा काफ़ी मज़ा आया एंड वेदर तो ऑब्वियसली बैंगलोर का बहुत ही अच्छा होता है सारे टाइम पे एंड या दैट्स इट फॉर द डे। सो दिस इज़ अनदर डे और इस दिन हम अपने भाई के कॉलेज गए थे बिकॉज हम चाहते थे कि वो एक बार देख ले एंड कैंपस विजिट कर ले उसके बाद ही आई वॉन्टेड हिम टू गेट एडमिटेड। इस टाइम तक उसका एडमिशन कराया नहीं था हमने एंड द कॉलेज डिड नॉट डिसअपॉइंट। इट वॉज ऑब्वियसली वेरी ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। भाई मोहब्बते का सेट लग रहा था बिल्कुल एंड एवरी थिंग वॉज सो ब्यूटिफुल द लीव्स द ट्रीज एवरी थिंग एंड या आई थिंक माई ब्रदर लाइक्ड इट। इसके बाद हम लोग वापस आए एंड सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करा था उसके बाद 3 बज गया था। वी हैड नथिंग टू ईट तो मैंने ये गोलगप्पा खाया एंड देन आई वेंट टू दिस पिज़्ज़ा प्लेस। और पिज़्ज़ा यार यहाँ का अच्छा नहीं था उतना बट दिस सीज़र सैलेड वाज जस्ट सो गुड आई लव्ड इट। रात में हमने यही डिनर करा रूम सर्विस एंड देन दैट्स इट फॉर द डे। सो दिस इज़ अनदर डे और इस दिन हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए MTR गए थे विच इज़ ऑल्सो अनदर फेमस प्लेस इन बेंगलुरु। दे ऑल्सो से कि रवा इडली यहीं पर इन्वेंट हुआ था इफ आई एम सेइंग दैट राइट।
उसके बाद हम लोग कॉलेज गए यश के फिर से, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी. एंड दिस वॉज द विधान सौधा विच इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट लेजिस्लेटिव बिल्डिंग इन इंडिया एंड आई सॉ दैट. और ज़्यादा कुछ तो करा नहीं बिकॉज एवरीथिंग वॉज अराउंड माई ब्रदर्स एडमिशन, सो आई डिड नॉट इवन गेट टाइम टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट दिस ग्राउंड वॉज सो ब्यूटिफुल, आई लिटरली वॉन्ट टू लाई डाउन देयर. फिर हम लोग वापस आ रहे थे एंड इस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था, सो वी वेंट टू नागा अर्जुन टू हैव लाइक अ प्रॉपर आंध्रा स्टाइल थाली. मेरे भाई को तो उतना पसंद नहीं आया बिकॉज ही डज नॉट लाइक साउथ इंडियन फूड एज मच एज आई डू, बट आई लव्ड इट. इट वॉज सो सूदिंग, होम कुक्ड स्टाइल का सिंपल खाना काफ़ी बढ़िया था. एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ करने को था नहीं इस दिन के लिए एंड शाम हो गया था, सो आई जस्ट वेंट टू चर्च स्ट्रीट, स्ट्रोल्ड अराउंड. एंड हम लोग ये काफ़ी सुंदर वन प्लस के स्टोर भी गए थे. इट वॉज अ ह्यूज एस प्लेस एंड आई जस्ट लव्ड हाउ ब्यूटिफुली इट वॉज डेकोरेटेड. देन आई हैड दिस कॉफी एंड रात में आई वेंट टू दिस Downtown diner. And yeah, this was my last day in Bangalore. So for breakfast, I went to this place I don't remember. यहाँ पर मैंने ये वड़ा खाया and yeah, I was just soaking in all the beautiful weather that was there in Bangalore because दिल्ली में इतनी गर्मी होती है हर पॉइंट पर and Bangalore was so soothing. The clouds were very beautiful and everything was so pretty. I loved this place and I would definitely want to go there sometime again in the future. And yes, that's it. Thank you for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel.